सो वेलकम बैक डीयर स्टूडेंट्स टू एडवाइज लर्निंग लिव टू लर्न आज हम लोग ने एज प्रॉमिस न्यूमेरिकल्स करेंगे सेवन्थ चैप्टर के आई होप आपने सारे सेशंस देख लिए इफ़ नॉट प्लीज मेरा रिकमेंडेशन है कि सारे सेशंस एक बार देखो सारे फार्मूलों को एक जगह नोट करो और उसके बाद ये न्यूमेरिकल वाला सेशन अटेंड करना और एल्स आपको बाउंसर जाएगा हर एक क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा फास्ट पेज रखेंगे हम लोग फार्मूला रखेंगे और सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैं कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो मैंने पहले सेशन्स में किया हुआ है तो प्लीज उनको कंप्लीट करना उसके बाद ही एक बार रिवाइज करके फिर यहां पे आना ओके सो मूविंग ऑन विद फर्स्ट क्वेश्चन सी हियर आपको बोला हुआ है अ ग्लास फ्लास्क हैज वॉल्यूम रेज टू फोर मीटर क्यूब इट इज फिल्ड विद लिक्विड एट थर्टी डिग्री सेल्सियस आपको एक फ्लास्क दिया है एक फ्लास्क रहेगा उसका वॉल्यूम दिया है उसको पूरा पानी से भर दिया है तो क्या यह कहना सेफ है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क सो फ्लास्क किसका है ग्लास का बना हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज गिवन टेन रेज टू माइनस फोर मीटर क्यूब ओके इट इज फिल्ड विथ लिक्विड एट थर्टी डिग्री सेल्सियस सो टेम्परेचर शुरुआत का टेम्परेचर डी एर स्टूडेंट्स आप इसको टी नॉट के जगह टी वन टी टू ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुझे आदत है टी नॉट के लिए तो मैं वैसे लिख रहा हूँ टी नॉट आपको दिया हुआ है थर्टी डिग्री और दे आर सेम गेस इफ टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम इज रेज टू हंड्रेड डिग्री यहाँ पर ये माइनस मत कंसिडर करना दिस इज डिग्री सेल्शियस ओके सो टेम्परेचर आपको दिया है फाइनल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने सेशन में भी लिया था हम लोग यहाँ पर उसका रिविजन कर लेते हैं तो कितना ओवरफ्लो होगा लिक्विड नाउ प्लीज इसका कंसेप्ट समझना एक फ्लास्क के अगर और इसको मैंने रिम तक लिक्विड से भर दिया है ओके यहाँ पर रिम तक लिक्विड फिल्ड है जब इस फ्लास्क को मैं गर्म करूंगा क्या है? इस फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ेगा इट विल एक्सपांड टू सम लिमिट यहां पे मैं एग्जाजरेट कर रहा हूं बट समझ लो इतना एक्सपांशन हो गया फिर लिक्विड भी करेगा सो so, हमको ये देखना है कि जो सॉलिड एक्सपांड हुआ है इसका वॉल्यूम लिक्विड के एक्सपांशन के जितना है उससे कम है कि उससे ज्यादा अगर उसके जितना या उससे कम होगा तो लिक्विड फ्लो नहीं होगा इफ लिक्विड ओवर एक्सपांड तो वो यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा आई होप आपको यहां से कंसेप्ट जो मैं कहना चाहता हूं वो क्लियर हो गया रहेगा सो so, मूविंग ऑन आपको क्योंकि हम यहां पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो थर्मल एक्सपांशन वाला टॉपिक आएगा को ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन सो कोइफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लास ग्लास का दिया हुआ है वन पॉइंट टू इंटू टेन टू फाइव एंड लिक्विड का सेवेंटी फाइव यहाँ से आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि लिक्विड का क्योंकि सेवेंटी फाइव काफी ज्यादा है कंपेयर टू वन पॉइंट टू तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो होने वाला है हमको बस देखना है कितना ओवरफ्लो होगा सो so, हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है सो चेंज इन वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सो so, जो फार्मूला यूज करने वाले मैं यहां पे लिख देता हूं द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज गामा दिस इज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इन टू चेंज इन टेम्परेचर आई होप आप सबने रिविजन किया रहेगा ये फॉर्मूला हमने देखा था थर्मल एक्सपांशन में नाउ सो so इसको सॉल्व करते हैं हम हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर इंटू गामा सो गामा इंटू इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर लेट सोल्व दिस पहले मैं ग्लास के लिए सॉल्व करूंगा फिर लिक्विड के लिए सॉल्व करूंगा एंड वी विल सी कि ज्यादा कौन सा आ रहा है और उसको माइनस कर लेंगे अगर लिक्विड का ज्यादा आया तो सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू गामा फॉर ग्लास इज गिवन वन पॉइंट टू इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव इन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास के लिए टेन रेज टू माइनस फोर है क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपना आंसर भी मीटर क्यूब में आने वाला है एंड चेंज इन सो टेम्परेचर में चेंज फाइनल इनिशियल रहता है लिख दे रहा हूं यहां पर फुल फॉर्म हंड्रेड माइनस थर्टी सो यहां से मुझे ग्लास के लिए वैल्यू मिलेगा सी फाइव फोर यह टेन रेज टू नाइन हो जाएगा इन टू वन पॉइंट टू सेवन टी फोर सो एटी फोर इंटू टेन रेइ टू माइनस नाइन मीटर क्यूब ये किसके लिए आ रहा है फ्लास्क के लिए तो फ्लास्क का वॉल्यूम इतना इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा सो चेंज इन वॉल्यूम फॉर लिक्विड इज इक्वल टू गामा फॉर लिक्विड इज सेवेंटी फाइव इंटू टेन रेइज टू माइनस फाइव इंटू इनिशियल वॉल्यूम टेन टू माइनस फोर लिक्विड के लिए सेम रहेगा चेंज इन टेम्परेचर भी सेम रहेगा सेवेंटी इंटू सेवनटी फाइव इंटू टेन रेज टू ये आ जाएगा माइनस फोर सो दिसव टू फाइव जीरो इंटू टेन रेज टू माइनस नाइन मीटर क्यूब कैलकुलेशन स्टूडेंट प्रॉपरली कर लेना यहां पे मल्टीप्लीकेशन बराबर से करना आपको ये आंसर आएगा एंड ओवरफ्लो वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि पानी का एक्सपांशन ज्यादा है तो कितना ज्यादा होगा लिक्विड ग्लास से वो आपका ओवरफ्लो हो जाएगा

हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहता है आपका आंसर फाइव से जीरो पॉइंट फाइव हम लोग ट्राई करते हैं इसके बीच में रहे तो इसको यहाँ पे डेसिमल इधर है इसको मैं वन टू थ्री एंड फोर प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव वन सिक्स सिक्स इंटू टेन रेज टू क्योंकि आपने फोर टाइम शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ पे माइनस नाइन की जगह सिर्फ माइनस फाइव बचेगा माई डियर स्टूडेंट्स दिस शुड बी योर फाइनल आंसर प्लीज नोट करना की इसको हमने प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाले टर्म्स में लिखा हुआ है ठीक है सो आपको मैं चांस दे रहा हूं यहाँ पे आप पॉज करके ये पूरा नोट कर सकते हैं एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सो आई होप आपने नोट कर लिया रहेगा ये पूरा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी स्टूडेंट्स मैं जब सिखा रहा हूं तो प्लीज यहां पे पूरा फोकस करना अभी नोट करने की जरूरत नहीं है ओके या बीच बीच में पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं है आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो पॉज करो खुद से सॉल्व कर लेना इफ़ नहीं तो पॉज करके आप देख के कर सकते हो बाद में खुद से प्रैक्टिस करना बट जब मैं सिखा रहा हूं पूरा फोकस यहां पे रखो ओके नहीं तो न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस हो जाएंगे हाँ सेकंड क्वेश्चन कंपेरेटिवली काफी ईजी है विच रिक्वायर मोर एनर्जी मोर एनर्जी मतलब कौन सा यहां पे हीट एनर्जी हीटिंग अ टू के जी ब्लॉक ऑफ लेड सो लेड का हमको मास दिया हुआ है टू के जी बाय थर्टी डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर फॉर लेड हमको दिया है थर्टी सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं इट केल्विन माइनस सिक्स और हीटिंग फोर के जी ब्लॉक ऑफ कॉपर कॉपर के लिए हमको दिया हुआ है फोर के जी बाय टेम्परेचर ऑफ कॉपर दिया है

स्पेसिफिक हीट 128 ऐसा यूनिट जूल्स में आएगा आपको यहाँ पे जूल में वैल्यू दिया है तो यूनिट भी जूल में आ जाएगा सो दिस वुड बी जूल्स ओके और किसके लिए बचा फिर लेड के लिए हमने निकाल लिया एंड फॉर कॉपर तो फॉर कॉपर इट वुड बी कॉपर के लिए वैल्यू कितना है फोर इन थ्री एटी सेवन इंटू थ्री एट सेवन इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज फाइव सो दिस वॉज सेवन सेवन फोर जीरो जूस सो यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की कॉपर के लिए हीट ज्यादा लगने वाला है एंड लेड के लिए हीट कम लगेगा सो विच विल रिक्वायर मोर हीट कॉपर विल रिक्वायर मोर हीट दैंड लेड ओके प्लीज नोट दिस क्वेश्चन डाउन सो आई होप सब ने नोट कर लिया रहेगा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 पॉइंट 10 सिक्स to 6 टू सिक्स जूल पर केजी। देख सकते हो आप यहां पे डिग्री सेल्सियस केल्विन करके कुछ नहीं दिया क्योंकि ये से रिलेटेड नहीं है लेट हीट है कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज 5 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम देखो मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 5 ग्राम यहाँ पे के में आपका यूनिट तो आपको इसको पहले के में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 इंटू टेन टू माइनस थ्री नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू पॉइंट टू सिक्स इन टू टेन रेज टू सिक्स जूल पर के जी कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में क्यू इज इक्वल टू एम इन टू हीट ऑफ वेपराइजेशन सो क्यू इज फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री इन टू हीट ऑफ वेपराइजेशन इज टू पॉइंट टू सिक्स टेन रेज टू सिक्स टेन रेज टू सिक्स और टेन रेज टू माइनस थ्री साथ में आएंगे तो टेन रेज टू सिक्स माइनस थ्री Q टू फाइव इंटू टू पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेइ टू थ्री टेन रेज टू थ्री मतलब थाउजेंड हो गया तो वन टू थ्री फाइव इंटू टू टू सिक्स जीरो टू टू सिक्स का हाफ हो जाएगा वन वन थ्री और एक जीरो एंड और एक जीरो दिस इज द आंसर काफी सिंपल क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आए तो नाचना तुम लोग एग्जाम में कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है टू टू मार्क्स वन मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे सो प्लीज नोट दिस डाउन मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर्थ अ मेटल अटल स्पीय एट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को सॉल्व करने के लिए पहले हमको लॉ पता रहना चाहिए तो मैं बता देता हूँ चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है यहां से हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को ओके नाउ चर इज सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तो यहां पर ना ये रेट ऑफ कूलिंग दिस पार्ट इज योर रेट ऑफ कूलिंग डी टी बाई डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी सो केस वन में डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी केस वन में आपको दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो फाइव जब आपका टेम्परेचर टी वन कितना है सेवन टी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट डेटा आपको दिया है इट इज जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव when temperature is 50 degree celsius so बाई डी स्मॉल टी सेकेंड केस में है 0.25 unit फाइव यूनिट आएगा degree Celsius per second. यहां पर भी रहेगा degree Celsius per second. सेकेंड इसका टेम्परेचर सेवेंटी के जगह दिया हुआ है फिफ्टी आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है रेट ऑफ कूलिंग भी रिड्यूस हो गया है ओके नाउ the टेम्परेचर ऑफ surrounding एंड फाइंड रेट ऑफ कूलिंग सराउंडिंग uh, का टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी नॉट रेट ऑफ करना है टी नॉट फाइंड करना है हमें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिख रहा है इक्वेशन में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे आपको टेम्परेचर दिया है फर्स्ट केस का 70 आपको ये दिया हुआ है 0.05 सेकंड केस का भी आपको रेट ऑफ कूलिंग दिया है टेम्परेचर दिया है. तो दोनों इक्वेशन को मैं साथ में लिखने जा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू ये फर्स्ट जीरो पॉइंट इक्वल टू सी इन टू टेम्परेचर कितना है 70 माइनस टी नॉट सी सेवेंटी माइनस टी नॉट ये फर्स्ट इक्वेशन है अगर मैंने इसको सेकेंड से डिवाइड कर दिया सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा रेट ऑफ कूलिंग इज 0.025 इज इक्वल टू सी इन टू टी माइनस टी नॉट टी आपका 70 है तो यहाँ पे 0.025 इज इक्वल टू सी 70 के जगह अब सेकेंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमको 50 50 माइनस टी नॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसिल में क्या क्या हो जाएगा ये सी और ये सी कैंसिल हो गया ओके okay? 25 फाइव वन जार ट्वेंटी फाइव सो यहाँ से ये यह टू कैंसिल हो गया तो पूरे इक्वेशन में यहां पे सिर्फ टू बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ये डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है इसको राइट right में शिफ्ट कर देना सो so, आपको ऐसा कुछ मिलेगा टू इन टू फिफ्टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू सेवेंटी माइनस टी नॉट हंड्रेड माइनस टू टी नॉट ये टू मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू सेवेंटी माइनस टी नाट ये माइनस टू टी नॉट उधर गया तो हंड्रेड ये सेवेंटी इधर आया तो माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू टू टी नॉट माइनस टी नाट तो यहाँ से मुझे मिल रहा है टी नाट का वैल्यू थर्टी डिग्री सेल्सियस ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा टी नाट इज थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके आई होप यहाँ तक समझाए सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पर टेम्परेचर का रेट ऑफ कूलिंग निकालना है इफ मेटल स्पियर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है सो so, 40 डिग्री के लिए हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा कि सी का वैल्यू फाइंड करना है ना सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक काम करूंगा मुझे ये सिंपल इक्वेशन दिख रहा है पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू सी सेवनटी माइनस टी नॉट तो ये इक्वेशन में मैं सी का वैल्यू ढूंढ सकता हूं टी नॉट का वैल्यू रख के टी नॉट हमको अभी मिला था थर्टी डिग्री सेल्सियस सो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू

फोर so से डिवाइड करेंगे तो वन टू फाइव सो पॉइंट जीरो जीरो वन टू फाइव ये आपका आंसर आ जाएगा सो so, यहाँ पे दिस वुड बी डिग्री यस तो ये सी का वैल्यू आया नाउ सी के वैल्यू को हमें बस इक्वेशन में रखना है डी टी बाय डी स्मॉल टी फॉर थर्ड केस इज इक्वल टू सी टी माइनस टी नॉट थर्ड केस में हमें टेम्परेचर कितना रखने को रहा था स्टूडेंट्स फोर्टी सो सी का वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर्टी माइनस थर्टी सो टेन हो जाएगा फोर्टी माइनस थर्टी तो यहाँ से आपको डी टी बाय डी स्मॉल टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड आई होप यहाँ तक समझा रहेगा काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल्स है इसके ज्यादा आपको कुछ ऐसा टेंशन वाले इसमें कुछ है नहीं सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिविजन पे सो सिंपल न्यूमेरिकल्स है आपको ये नोट कर लीजिए प्लीज एंड यहाँ पर ये सोल्यूशन नोट कर लेना ओके मूविंग ऑन नाउ दिस क्वेश्चन इसमें कुछ कैल्कुलेशन uh, है नहीं सिंपल थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन है तो मैं बता देता हूँ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज लीनियरली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट पी अगर कॉन्स्टेंट है हमने गैस लॉज में ये स्टडी किया था तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमने नेगेटिव भी देखा था टेम्परेचर को तो ऐसा कुछ होगा ओके okay? उसमें उन्होंने कहा है कि सपोज द गैस डज नॉट लिक्विफाई इवन एट लो टेम्परेचर एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल भी आइडियली जीरो आइडियली जीरो मतलब इस पॉइंट पे वॉल्यूम ग्राफ पे इस पॉइंट पे होना चाहिए तो हमने देखा था कि एनी टाइप ऑफ आप ग्राफ ले लो इसका एक्सटेंशन टेम्परेचर ग्राफ पे माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस इसी पे होता है इसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं द आंसर एट टेम्परेचर ऑफ माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी आइडियली जीरो अगर आपने सेशन अच्छे से देखे इसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने अच्छे एग्जाम्पल्स भी लिए थे तो इसका आंसर डायरेक्ट मुंह पे होना चाहिए माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ये क्वेश्चन में अगर प्रेशर की जगह वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा रहता एंड दे वुड हैव आज प्रेशर ऑफ गैस वेरीज लीनियरली तो भी आपका आंसर यही आता कि कौन से टेम्परेचर पर प्रेशर जीरो होगा माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं विच इज इक्वी वैलेंट ऑफ जीरो ओके सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन

जब गर्मी के सीजन में ये कास्ट आयन के बने हुए हैं तो दे विल एक्सपांड दोनों साइड से एक्सपांड करेंगे तो ये गैप थोड़ा सा रखते थे हैं ताकि वो कोलाइड करके ऐसा उनका शेप खराब ना हो ओके सपोज द रेल सर लेड एट रूम टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन ये याद रखना प्लीज डिग्री सेल्सियस है सो so, आपको इनिशियल टेंपरेचर दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ओके इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द रीजन इज फोर्टी डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है अपना 45 डिग्री सेल्सियस एंड द लेंथ ऑफ ईच रेल सेक्शन इज 10 मीटर सो आपको इनिशियल लेंथ दिया है 10 मीटर व्हाट शुड बी द गैप लेफ्ट गिवन एट अल्फा अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पे कोइफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ओके सो वन पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव पर लविन फॉर मटीरियल ऑफ द रेल अल्फा दिया हुआ है into 10 raise to minus per Kelvin. So, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं द फॉर्मूला क्यों स्टार्ट कर रहा हूं मैं अल्फा वाले फॉर्मूला से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज आपको क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है वॉट शुड बी द गैप गैप मतलब क्या होगा कि सपोज इसको मैंने फिक्स कर दिया है ये वाला पार्ट मेरा फिक्सड है तो ये वाला जो रेल का ट्रैक है वो कितना इंक्रीज होगा कितना उसका लेंथ इंक्रीज़ होगा एंड लेंथ इंक्रीज वही तो चेंज इन लेंथ में पता चलता है ना अगर आपका इनिशियल लेंथ x है फाइनल लेंथ y है तो y माइनस एक्स वही तो चेंज इन लेंथ होगा तो हमको गैप मतलब चेंज इन लेंथ निकालना है सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी अब अपने नोट्स में चेक करना यही फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ का इन केस ऑफ थर्मल एक्सपानशन लीनियर एक्सपानशन डेट इज सो इनिशियल था मीटर वन पॉइंट टू इन टू टेन रेस टू माइनस फाइव पर केल्विन इन टू चेंज इन टेम्परेचर आप देख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो क्या कैलविन चलेगा मैंने आपको बताया चेंज दोनों का लीनियर रहता है So, यहाँ पे अगर मैं कैलवेंस में वैल्यू रखूंगा तो भी सेम ही वैल्यू आएगा जो कि डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए ओके okay? सो so, यहाँ से आपको मिलेगा टेन इंटू वन पॉइंट टू इंटू टेन टू माइनस फाइव इंटू दिस इज ट्वेंटी माइनस टू एटीन सो एटीन इंटू ट्वेल्व टू वन सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव मैंने आपको बताया था जीरो पॉइंट फाइव से फाइव के बीच में वैल्यू रखना है सो चेंज इन लेंथ दैट इज यही क्या रहेगा आपका गैप इज इक्वल टू 2.16 हमने दो इसमें शिफ्ट कर दिया है टेन रेज टू माइनस थ्री दिस विल बी इन मीटर्स ठीक है एक और चीज आप कर सकते हो क्योंकि ये टेन रेज टू माइनस थ्री मीटर है टेन रेज टू माइनस थ्री मीटर टेन रेज टू माइनस थ्री मीटर इसी को हम वन मिलीमीटर mm बोलते हैं सो so आप इसको हटा के डायरेक्ट मिलीमीटर mm लिख सकते हो 2.16 पॉइंट mm. वन so, सिक्स मिलीमीटर सो इतना मिलीमीटर आपका जो रेल का ट्रैक है वो ये अपना लेंथ इंक्रीज करेगा सो दैट शुड बी द गैप इससे ज्यादा गैप होना चाहिए इससे कम नहीं रहेगा इससे कम हुआ तो ट्रेन जो है ऊपर से देखने पर ऐसा बेंड होने लगेगा ट्रैक का शेप चेंज हो जाएगा सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है प्लीज नोट दिस डाउन

सो so, जब इसको हम फिक्स करेंगे ना तो हमारा गोल कैसा रहता है कि जो आयन रिंग इसके ऊपर फिक्स होने वाला है ओके सो आयन को उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा के अटैच होना है सो so, यहाँ पे क्या होगा जो आपका इनिशियल डाया रहता है ना आयन रिंग का वो कम रहता है सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटर ऑफ वुडन रिम जो वुड वाला पार्ट है वो 1.5 मीटर है एंड आयन रिंग का 1.47 पॉइंट है सो आयन रिंग का डाया छोटा रहेगा यहाँ पे क्या किया जाएगा वी विल हीट द आयन रिंग तो उसका डायमीटर ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है जैसे ही वो जस्ट इनफ हुआ ना कि वुड से बड़ा हो गया वुडन जो आपका वो रिम है उसको फिट कर देते हैं आयन रिंग के बीच में फिर जब आयन रिंग ठंडा होगा तो वो कंप्रेस होते जाएगा कंप्रेस आई मीन कि वो श्रिंक होते जाएगा और श्रिंक होगा तो वुड को होल्ड कर लेगा सो so, ये कंसेप्ट रहता है यहाँ पे अब रूम टेम्परेचर पे दोनों का हमको वैल्यू तो ये दोनों इनिशियल डायामीटर्स है सो इनिशियल डायामीटर ऑफ वुड इज वन मीटर डिग्री सेल्सियस टू वॉट टेम्परेचर द आयन रिंग शुड बी हीटेड सो दैट इट कैन फिट द रिम ऑफ द व्हील यानी फिट करने के लिए उसके जितना एग्जैक्ट तो उसके जितना होना चाहिए ना इफ आपको एक छोटे आयन के रिंग को बड़े व्हील पे फिट करना है तो एटलीस्ट उसका डायमीटर व्हील के डायमीटर तक होना चाहिए सो हमको फाइंड करना है कि वो कितना इंक्रीज होगा इस डायमीटर पे आपको आयन के लिए एक्सपांशन दिया हुआ है 1.2 टू पर किलोन मैं आपको यहां एक छोटा सा डिटेल बताना चाहता हूँ कुछ स्टूडेंट्स यहां पे क्या मिस्टेक करते हैं मिस्टेक दिस क्वेश्चन फॉर एरियल एक्सपांशन विच इज कंप्लीटली रॉन्ग एरियल एक्सपांशन क्यों लेते हैं क्योंकि दे थिंक कि सर डायमीटर दिया है तो डायमीटर से एरिया निकलेगा चेंज इन एरिया का अप्लाई कर देंगे बट यहाँ पे आप ये देखिए ना आपको कोईफिशियंट ऑफ एक्सपांशन कौन सा दिया हुआ है लीनियर एक्सपांशन है ना अल्फा इज लीनियर एक्सपांशन सो आप एरियल एक्सपांशन पर क्यों जंप कर रहे हो यहाँ पे दे आर सिंपली आस्किंग चेंज इन डायमेंशन वैसे आप एरियल एक्सपांशन से निकालोगे तो भी क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग नहीं होगा हल्का सा डेसिमल्स का फर्क आएगा बट वाई टू डू डैट आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो सो so, देखो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन औरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी यहाँ पर लेंथ की जगह कौन सा डायमेंशन दिया है डाया मीटर तो लेंथ की जगह हम फार्मूला में डाया मीटर रखने जा रहे हैं सो so, यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला क्या आ जाएगा अब हमारा गोल क्या है यहाँ पे वॉट टेम्परेचर ऑफ द रिंग हमको डेल्टा टी निकालना है तो मैं डेल्टा टी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखूंगा डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन डाया मीटर चेंज इन डायामीटर अपॉन औरिजिनल डाया मीटर इंटू अल्फा ओरिजिनल डायामीटर इन टू अल्फा ओके चेंज इन टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर सो टी फाइनल यही हमें ढूंढना है इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस फाइनल माइनस इनिशियल दिस इज इक्वल टू चेंज इन डायामीटर हमारा ओरिजिनल डायामीटर और ये फाइनल डायामीटर उसमें का डिफरेंस चेंज इन डायामीटर निकालना है हमको सो ओरिजिनल डायामीटर तो ये था वन पॉइंट फोर सेवन फाइनल हमें कितना चाहिए वुडन रिम जितना चाहिए सो वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फोर सेवन ये इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट जीरो थ्री इस पूरे कैलकुलेशन का पॉइंट जीरो थ्री द होल डिवाइडेड बाय इनिशियल वन पॉइंट फोर सेवन मीटर्स में गुड इनटू अल्फा का वैल्यू है वन पॉइंट टू इं टेन रेस टू माइनस फाइव प्लीज इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना इसका आंसर कुछ आ जाएगा यहां से वन सेवन जीरो जीरो पॉइंट सेवन प्रॉपर कैलकुलेशन करना है इफ़ आपको ये टफ लग रहा है आप लॉग बुक यूज कर सकते हो हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में सो so अगर आपको अभी भी लॉग बुक में कोई इश्यू आ रहा है आप वहां से सीख सकते हैं अच्छे से ओके okay? रिवाइज करते रहिए तो so, यहाँ से फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा फाइनल माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू वन सेवन जीरो जीरो पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ से वन सेवन जीरो जीरो पॉइंट सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो फाइनल टेम्परेचर इज वन सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर तक अगर हम उस आयन रिंग को गर्म करेंगे तो वो एक्सपांड होगा टू फिट दिस वुडन ब्लॉक आई होप आपको यहाँ तक पूरा टॉपिक क्लियर हुआ रहेगा अच्छे से ओके प्लीज नोट दिस डाउन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने सेशन में ही एक्सप्लेन कर दिया था वाइल वी वर डिस्कसिंग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए तो फार्मूला एकदम सिंपल सा था कि हमको एक रैंडम टेम्परेचर स्केल दिया है एक्स उसका वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर दिया है उस पर टू हंड्रेड एक्स होगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ट्वेंटी एक्स होगा फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन दिस स्केल ठीक है सो प्लीज़ आप वो सेशन में देख लीजिएगा वैसे वहाँ पर आपने कवर किया ही है सो so, अगर ये टॉपिक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ होमवर्क रहेगा ये एक बार इसको सॉल्व करना इफ आपको कोई डिफिकल्टी आया प्लीज वॉच दैट थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सेशन जो कवर हुआ है आई गेस फोर्थ सेशन रहेगा वो वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वहां पे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है सो मूविंग ऑन अ गैस ये अच्छा क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये से और इस चैप्टर में गैस लॉस के ऊपर आपको ज्यादा नहीं है वो आपको ट्वेल्थ में रहेगा ओके okay? और केमिस्ट्री में सो अ गैस एट नाइन डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टिल बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाफ सो इनिशियल और फाइनल में क्या रिलेशन है कि इसका प्रेशर हाफ हो चुका है और वॉल्यूम भी हाफ हो चुका है कैलकुलेट इट्स फाइनल टेम्परेचर सी यहाँ पर हम कोई एक गैस लॉ लगा के काम नहीं कर सकते बिकॉज सारी चीजें चेंज हो रही है फॉर ईच गैस लॉ देर हैज टू भी वन कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम यहां पर तीनों चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्ट गैस लॉ नहीं लगाएंगे सो so, यहाँ पे ध्यान दीजिए इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है टी नॉट विच इज 900 डिग्री सेल्सियस ओके आपको बोला है फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम आपको बोला हुआ है फाइनल प्रेशर फाइनल प्रेशर इज हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर आपको फाइंड करना है फाइनल टेंपरेचर कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके okay? पे आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि हम जब तीनों गैस लॉस पढ़ रहे थे वी केम टू अ फाइनल कंक्लूजन कि ये तीनों गैस लॉस पी वी और टी इसको कैसे रिलेट करते हैं पी वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट मतलब कुछ भी हो जाने दो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट अ अर्टन कंडीशन विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इनिशियल प्रेशर पी ओ वी ओ अपॉन टी ओ मस्ट बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर पी एफ वी एफ अपॉन टी एफ सिंपल है यहां से इसके हमें वैल्यूज नहीं पता है बट हमें PF और VF के वैल्यूज पता है जो हम पीओ और वी ओ के टर्म्स में लिख सकते हैं सो वॉट आई एम सेइंग इज कि इजी ओ को वैसे ही रहने दो पी एफ और वी एफ को इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं सो so पी पी इनिशियल बाय टू लिख दूंगा इन टू वी एफ को वी इनिशियल बाय टू लिख दूंगा इन टू टी एफ ऐसा आ जाएगा आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो इधर भी न्यूमेरेटर में पी ओ है वो कट कैंसिल हो जाएगा यहां पे भी पी ओ वी ओ है वो कैंसल हो जाएगा तो आपको फाइनली यहां पे आंसर मिलेगा वन अपॉन टी ओ फोर टी एफ सो फोर टी एफ इज इक्वल टू टी ओ टी एफ इज इक्वल टू टी ओ डि अब यहाँ पे बस स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं वट डे डू इज कि इनिशियल टेम्परेचर सर 900 दिया हुआ है फटाफट पड़ लिखो सॉल्व कर दो ये स्टेप कंप्लीटली रॉन्ग है मैंने आपको जब यूनिट्स लिखाए थे तो आई टोल्ड यू कि प्रेशर का एक सर्टन यूनिट है वॉल्यूम का एक सर्टन यूनिट टेम्परेचर का एक सर्टन यूनिट और वही यूनिट्स में आपको कैलकुलेट करना है सो so, ये काफी कॉमन मिस्टेक है कि हम 900 इसको ले ले। सो so ये इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में फ्रॉम डिग्री सेल्सियस सो 900 डिग्री सेल्सियस इसको अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 900 हंड्रेड प्लस टू सो दिस विल भी इक्वल टू वन वन सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव केलविन सो जो मुझे कैलकुलेशन करना है मैं यहाँ पर वन वन सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव वन वन सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव डिवाइड बाई फोर सो आपका जो फाइनल टेम्परेचर आने वाला है टू नाइन्टी थ्री पॉइंट टू सिक्स टू नाइन्टी थ्री पॉइंट टू सिक्स केलविन यह आपका फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए ठीक है सो प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चन डाउन एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड अवर सेशन हियर मुझे और सिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बट वी आर रिस्ट्रिक्टेड विथ टाइम सो वो हम नेक्स्ट सेशन में कम्प्लीट करेंगे दैट विल बी द फाइनल सेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एडवाइज लर्निंग डियर स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिस इन ऑल द वेरी बेस्ट